सर फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस अमेजिंग शो शिव शक्ति? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोमो है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, आप कितना एक्साइटेड हो 19 जून के लिए? काफ़ी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. ऐसी कहानियाँ कहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब के लिए कि हम अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करें और एक नए तरीके से, नए थॉट के साथ, नए इंटरप्रिटेशन के साथ इस कहानी को हम पेश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब कुछ पुट टुगेदर है. तो व्हाट एल्स कैन आई से, आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द 19 फॉर द व्यूअर्स टू टेल अस, बिकॉज मुझे सच में नहीं मालूम है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. मैं ये समझता हूँ कि हम किस तरीके से उसे प्रेजेंट करें, ऑडियंस को किस तरह से एंटरटेन करें और वो थॉट छोड़ के जाएँ उसके पीछे जो हम कहना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम वही कर रहे हैं और 19 का वेट कर रहे हैं. आई होप दर्शकों को ये पसंद आए और लोग ये देखें कहानी और हमें मालूम पड़े कि हमने अच्छा किया है. हमने जो भी किया है काफ़ी दिल से, पूरी जोश के साथ, एनर्जी के साथ, अपने पास के एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स के साथ ये कहानी कह रहे हैं. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द 19. सवाल पूछो सर. आपने हमेशा से स्पिरिचुअल चीज़ों पे और हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर ही हमेशा से सीरियल को प्रोड्यूस किया है, इसके पीछे कोई रीज़न? मुझे लगता है कि पैसे मिलते हैं, वेरी रिच गाय बिकॉज़ ऑफ द क्या चाहते हैं. नहीं, मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे हम क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हम कोई भी चीज़ करें तो उसका क्या रीज़न होगा. पर मुझे ये मालूम है कि हम यहाँ पर इसलिए आए कि हम अच्छी कहानियाँ कह पाएँ. ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है. ये कहानियाँ ऐसी नहीं है जो आप कल सुबह सोचो तो आप परसों बना सकते हो. इनके पीछे बहुत मेहनत लगती है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, हम पढ़ते हैं उसे, हम किस तरह से उसे आज इंटरप्रेट करें व्यूअर्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कहीं ना कहीं नई दुनिया क्रिएट करो, ऐसे टैलेंटेड लोग साथ में जुड़ें जो हम लोग वो दुनिया बनाए व्यूअर्स के लिए कि ये हमारी इंडिया की कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, देखो ऐसा होता था उस टाइम पे. नो, ऐसे एक्टर्स जुड़ें जो फाइनली स्क्रीन पे लाकर ऑडियंसेस को ये फील कराएं कि हाँ ये हमारी कहानी है, ऐसा हुआ था उस टाइम पे. तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हों तो और कुछ चीज़ करने में ज़्यादा उतनी चैलेंजिंग चीज़ नहीं लगती. तो इससे मैं भी हर बार कुछ सीखता हूँ, मुझे हर बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम ये कहानी शिव जी ने क्यों अपनी लाइफ में कही होगी, इसका भावार्थ क्या है, इसके पीछे थॉट क्या है. तो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है मेरे को और एक्साइटिंग लगता है, इसीलिए मैं ये स्पेस पर काम करता हूँ. Sometimes in today's you know time जहाँ पे TRP has become very important, कि अगर शो 3 से 4 महीने में भी परफॉर्म नहीं कर पाया तो यू नो ऑफ एयर हो जाता है. एंड इट इज सेड दैट माइथोलॉजिकल शोज आर एनी विच इज मोर चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव एंड फाइनेंस. तो ऐसे टाइम एक माइथोलॉजिकल शो को लाना, डू यू फील इट्स रिस्की और एटलीस्ट इट इज वेरी चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ TRP? अभी के टाइम पे अगर आप कहानियाँ कह रहे हो और आप ऑडियंसेस के पास आज 25 इयर्स में इतना एक्सपोजर हुआ है, उनको ग्लोबल कंटेंट का एक्सपोजर मिला है, उनके पास सारी अलग अलग चीज़ें हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेलीविज़न एज अ प्लेटफॉर्म जो एवरी डे लोगों को हम लेके आते हैं कि आप आइए आज देखिए, आप फिर कल देखिए, फिर से परसों देखिए, ये एक इटसेल्फ बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है. इसे लिखना, बनाना, प्रेजेंट करना, कि हम दर्शकों को रोज़ बोलें कि आप आज फिर देखो. क्योंकि आप किसी को आज एक 5 मिनट बैठा के कुछ दिखा दो तो वो समझ जाऊंगा मैं कि क्या होता है, मुझे ही दिखाने की कोशिश करें. तो यू नो देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर टाइप. सो ऑफकोर्स इट्स अ बिग चैलेंज एंड कहीं ना कहीं टेलीविजन के साथ साथ कंजम्पशन पैटर्न जो हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. तो आज जिनके घरों में TV है वो TV पे देख रहे हैं, जिनको वो जियो सिनेमा पे देखना है वो जियो सिनेमा पे देख सकते हैं. तो कहीं ना कहीं व्यूअर कंज्यूम कंटेंट कर रहे हैं पर अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ. पहले हम कैसेट में गाने सुनते थे, आज एलेक्सा को बोलते थे तो गाने सुनते थे. तो कहीं ना कहीं गाने तो वही हैं, गाने का सोल वही रहेगा, तो उसको जो हम कंज्यूम करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो चेंज हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है. तो हम सब भी अपने कहने के तरीकों में, मेकिंग में, पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर स्टोरी टेलर्स, ग्रेट टाइम फॉर एवरीबडी. कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिलीफ के साथ कोई कहानी कहोगे तो उसके लिए उसको वो दर्शक मिलेंगे. और कोई चीज़ चलना या नहीं चलना, सच बताऊँ तो इतने एक्सपीरियंस लोग हम सब साथ में यहाँ खड़े हैं, किसी को नहीं मालूम है कल क्या चलेगा, किसी को नहीं मालूम है कल क्या वर्क करेगा. अगर आप यही सकते हो जो आपकी बिलीफ हो, आप उसको पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, उसके बाद वरना आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं मालूम.
अच्छा करेंगे, बाकी चार महीने बाद क्या होगा, तीन महीने बाद क्या होगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा या आधा चलेगा, वो आउटकम है आपके एक्शंस का, वो आपके कंट्रोल में एनी वे है। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मुझे क्या लगता है ना कि हम जब राधा कृष्ण की कहानी आई थी तो पहले दिन से वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेड थी, तो वो तो बात अगर मैं ये अभी से टीआरपी की बात की तो वो तो बिल्कुल ही उल्टा था टीआरपी के फ्रंट में। पर मोर देन दैट मुझे क्या लगता है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे कि हम इस देश की ये कल्चर की कहानियाँ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको मजाक नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि हम उसे पूरी श्रद्धा के साथ में और हमारे पास को ग्लोरीफाई करते हुए उन कहानियों को कहना चाहिए। और हमारा कंट्री, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई अपसेट होता है। अलग अलग वर्जन है, एक ही किताब की एक ही, आप एक बुक स्टोर में जाएंगे आपको 10 तरह की गीता रखी रहती है वहाँ, तो कौन सी गीता सही है कौन सी गीता गलत है वो एक इंसान की इंटरप्रिटेशन है। यही हमारी संस्कृति है, दैट यू हैव टू बिल्ड योर ओन थॉट्स। हम एग्ज़ाम स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम जो बुक में लिखा है वो एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो 100 मार्क्स नहीं मिलते किसी को, 50% ही मिलता है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको ये बोला कि आपने क्या सोचा उसमें से, आपने क्या समझा, आपने क्या लिखा। तो हम वो कोशिश हर बार करते हैं और उसमें कुछ लोग दुखी होते हैं, पर हमारा इंटेंशन कभी ये नहीं है कि किसी को दुखी करना। हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपने कल्चर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि लोगों को लगे दे फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, दे फील प्राउड दिस इज आवर रूट्स। And our new generation should watch these stories to understand who are we, where have we come from, what is our past, why are we the way we are. I think these things are more important, and some people will always be upset. Is everybody happy with you in your house? Basically, हर पांच साल आप वही कहानी दोबारा बोलोगे, लेकिन अपने स्टाइल में बोलोगे। ओके, वही कहानी आप अगर पढ़ोगे तो आप अपने स्टाइल में पढ़ोगे, ये अपने स्टाइल में पढ़ेगा, लेकिन दिखाते क्या है उस हिसाब से, यू नो, यू रीटेल अ स्टोरी इन अ डिफरेंट फॉर्म। हम लार्जर देन लाइफ स्केल इतना बड़ा कर देते हैं कि लोग वही सेम चीज़ अलग रूप में देखेंगे, अब ये मानने लगेंगे, वो पहला भूल के ये बिलीव करने लगे ये हमारा ट्रूथ है। बट हाँ, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल जो इनका है वो बहुत टाइम से, क्यों ये कहानियाँ कर रहे हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट स्केल, ही बिलीव्स इन दोज स्टोरीज। एंड यस, वी शुड, जैसे दादी बोलती आई हैं हमारे को हर टाइम से, यू नो, हमारे पेरेंट्स बोलते आए हैं, तो एक हम बिलीव कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं एक नए जोन में। तो डाउन जनरेशन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता था, एंड स्टोरी टेलिंग का स्टाइल चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हम भी स्टोरी टेलिंग के डिफरेंट स्टाइल अपना रहे हैं। थैंक यू।